भुगतान लेना हो तो EMI। सही है भाई। टीवी, फ्रिज, बाइक, मोबाइल खरीदना हो तो EMI। EMI मतलब इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। सरल भाषा में समझें तो समान मासिक किश्त। भौतिकता की ओर भागती जिंदगी में आजकल EMI की अहमियत इतनी बढ़ गई है कि हर छोटी से बड़ी चीज की चाहत चंद किश्तों के दायरे में सिमट गई है। हर इच्छा पूरी हो सकती है, बशर्ते कुछ शर्तें पूरी करने में आप सक्षम हो। किश्तों की अदायगी वक्त पर करने में सक्षम हो, फिर तो आप अपनी मनचाही मुराद खुद पूरी कर सकते हैं। छोटी सी जिंदगी में बड़े ख्वाबों को हकीकत में बदल सकते हैं। किश्तों में ही सही, खुशियों का जरिया ढूंढ सकते हैं, खासकर वो मिडिल क्लास जिसकी चाहतें ज्यादा होती हैं और आमदनी कम। लेकिन EMI की किश्त नहीं चुकाई तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। सारा मजा किरकिरा हो सकता है, बैंक कॉलर भी पकड़ सकता है, तो वसूली गैंग जीना हराम कर सकता है। जाहिर है EMI के अपने फायदे हैं, थोड़ा रिस्क भी, लेकिन ये रिस्क आजकल लोग बेहिचक ले रहे हैं। और तो और, अब मंदिरों तक में EMI सुविधा की सीधी एंट्री हो चुकी है। पूजा पाठ में EMI का चलन शुरू हो गया है। चौंक गए ना, हम भी चौंके थे जब हमें ये खबर मिली कि नासिक में EMI पर हो रही है पूजा। आज पहले जैसे 125 रुपया 111 रुपया, इसमें अभी कोई भी विधि विधान नहीं होता है। पूजा करना चाहते हैं तो उसका खर्चा ही हजारों में है। कोई बड़ा यज्ञ करना चाहते हैं तो उसका खर्चा लाखों में है। किश्तों में रस्मों की अदाई। हमने ये योजना का शुरुआत किया और कई लोगों ने, बहुत सारे कुटुंबियों ने इसका आज लाभ लिया है और ले रहे हैं। EMI पर होगी हर मनोकामना पूरी। आज घड़ी से लेकर घर तक और मोबाइल से लेकर मर्सिडीज तक सब EMI पे उपलब्ध है, तो ये सुविधा भी क्यों ना हम उपलब्ध करें। आस्था से जुड़ी किश्तों की इस कहानी से पर्दा उठाने के लिए न्यूज 18 की टीम मुंबई से नासिक के लिए रवाना हुई। तो जहन में कई सवाल कौंध रहे थे, मसलन EMI पर पूजा पाठ का क्या मतलब? EMI नहीं चुकाया तब क्या होगा? पूजा खंडित हो जाएगी? EMI पर पूजा की शर्तें क्या है? EMI पर कौन कौन सी पूजा होती है? इन्हीं तमाम सवालों की उधेड़ बुन में 3.5 घंटे का हमारा सफर कब पूरा हो गया पता ही नहीं चला। और हम उस जगह पहुंच गए जहां हमारी सारी जिज्ञासा खत्म होने वाली थी। EMI पर पूजा की कहानी का सच पता लगने वाला था। इससे पहले कि हम आपको EMI पर पूजा की कहानी बताएं, मिलिए गणेश भूतला से। नासिक के रहने वाले गणेश भूतला रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं। कुछ महीनों पहले उनका कारोबार मंदा पड़ने लगा। पंडितों ने पूजा पाठ कराने की सलाह दी। उन्हें पूजा के लिए EMI वाली स्कीम के बारे में पता चला। फिर 10 महीने के लिए 6,000 की किश्त बंधी और पूजा के बाद मंदा हुआ धंधा वापस पटरी पर आने लगा। कैसा था कि पूजा का खर्चा काफ़ी बड़ा था, लेकिन वो पूजा, वो सामग्री, जो ओरिजिनल चीज़ आती है, जो दान करना रहता है, जो वो काफ़ी महंगे थे। तो
तो उस बहाने हम पूजा के लिए रुक रहे थे, हम सोचे बाद में करेंगे। लेकिन जब गुरुजी ने वो योजना बताया कि भाई पैसे का कोई चिंता नहीं है, आप पैसे इक्वल इंस्टॉलमेंट दो और कोई ब्याज नहीं, वो पैसे को कोई ब्याज नहीं, कोई गारंटर नहीं, कुछ नहीं, एक कैंसिल चेक देना था और दे दिया, और 10 महीने के इंस्टॉलमेंट में हमने वो पूजा उनसे बाइंड कर लिया था। जाहिर है आप भी जानना चाह रहे होंगे कि ईएमआई पर पूजा की व्यवस्था क्या है। सिर्फ नासिक में ऐसी व्यवस्था है या फिर भारत में कहीं भी आप ईएमआई पर पूजा करवा सकते हैं? तो पंडित अनिकेत शास्त्री की माने तो जल्द ही देश भर के लोग इस व्यवस्था का फायदा ले सकेंगे। अभी ये योजना जो है नासिक क्षेत्र महाराष्ट्र में है, इसलिए ज़्यादा रिस्पॉन्स यहीं से है, और उसके बाद फिर रायपुर है, छत्तीसगढ़ है, बनारस है, उज्जैन है, पटना है, बिहार है, अलग अलग जगह से भी अभी इंक्वायरी आना चालू हो गया है। अब आपको बताते हैं कि ईएमआई पर पूजा का फायदा आप कैसे उठा सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी धार्मिक रस्म पूरी करने के लिए संस्था के दफ्तर या फिर ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके तहत अगर आप नासिक में हैं, तो धार्मिक स्थल त्र्यंबकेश्वर के अनिकेत शास्त्री देशपांडे महाराज की संस्था के दफ्तर जाकर जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। इसके बाद मैनुअली रजिस्टर्ड हो सकते हैं, और इसके अलावा आप संस्था की तरफ से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। आप महाराष्ट्र के बाहर के रहने वाले हैं तो ईएमआई पर पूजा का फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको संस्था की वेबसाइट maharshijyotish.com पर जाना होगा। वेबसाइट पर अपॉइंटमेंट का फोल्डर दबाने पर इंक्वायरी का विकल्प आता है। इंक्वायरी के विकल्प में अपनी निजी जानकारी भरने के बाद जैसे ही सबमिट करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सीधे संस्था के मोबाइल नंबर पर आता है। नोटिफिकेशन आते ही संस्था आपको कॉल करके सारी जानकारी लेती है और फिर उसका बैंक से वेरिफिकेशन करने के बाद पूजा की तारीख तय करती है। आप जिस तीर्थ स्थान पर पूजा कराना चाहते हैं, संस्था से जुड़ा पंडित वहां पर जाकर पूजा करता है, चाहे वो देश का कोई भी तीर्थ स्थान हो। अगर आप पूजा की सामग्री संस्था को लाने की जिम्मेदारी देते हैं तो 50% खर्च आपको एडवांस में देना होता है। इसके बदले दी जाने वाली दक्षिणा को आप 6, 8 और 12 महीने की आसान किश्त में चुका सकते हैं। ये जो प्रक्रिया है, आप maharshijyotish.com पर जाएंगे और यहाँ पर अपॉइंटमेंट का जो यहाँ पर फोल्डर है उसको खोलेंगे, और उसको खोलने के बाद इस तरह की चीज़ें आएंगी, और इसमें आप पहले अपना नाम भरेंगे, और नाम कंप्लीट होने के बाद जैसे नीचे जाएंगे तो वहाँ पे आपको कौन सी पूजा करानी है वो आपको भरना पड़ेगा। मान लीजिए आपके कुंडली दोष है, कुंडली दोष मैंने यहाँ भरा, और नीचे आने के बाद यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर भरना है, और ये जो सेंड करेंगे प्रक्रिया सीधा जो संस्था का मोबाइल है जिसने प्रक्रिया को शुरू किया है उसके पास मैसेज आएगा आपकी पूरी डिटेल्स के साथ, और डिटेल्स आने के बाद संस्था के द्वारा आपको कॉल किया जाएगा, सारी चीज़ें को इंक्वायरी आपसे की जाएगी कि आप क्या चाहते हैं, कौन सी पूजा कराना चाहते हैं, और उसके बाद जो संस्था की तरफ कॉल होने के बाद जानकारी लेने के बाद तमाम चीज़ें इंक्वायरी होंगे, उसके बाद फिर आपको लोन दिया जाएगा, लोन आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। ईएमआई पर पूजा का फायदा उठाने वाली ये है नासिक में बुटीक चलाने वाली भूवी विशाल। भूवी ने मेहनत की सारी कमाई जुटाकर नया घर खरीदा था, लेकिन पैसा नहीं बचे होने की वजह से ये मुमकिन नहीं हो पा रहा था। ऐसे में उन्हें कुछ लोगों से ईएमआई पर पूजा की बात पता चली। भूवी के मुताबिक जानकारी मिलने के बाद वो संस्था के दफ्तर पहुंची और अगले साल फरवरी में गृह प्रवेश की पूजा होना निश्चित हुआ, महज 30,000 रुपए के खर्च में। इस रकम को भूवी को एक साल में छोटी छोटी किश्तों में देना है। 5-6 महीने हो गए घर लेके, तो तब से चल रहा था कि हमें वास्तु शांति की पूजा करवानी थी, तो जैसे घर में ऑलरेडी बजट ज़्यादा हो जाता है तो वो पूजा टल रही थी काफ़ी टाइम से, तो अभी हमें जैसे महाराज जी का पता चला, इस योजना का पता चला, तो अभी हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के कि अभी हम फाइनली ये पूजा कराने जा रहे हैं। भूवी विशाल की ही तरह कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ईएमआई पर पूजा का लाभ उठाया है। वास्तु शांति, नवचंडी, कुंडली दोष, विवाह दोष, सत्यनारायण पूजा, पिंडदान वगैरह किया है, किश्तों में ग्रह शांति की पूजा कराई है। तो आनंद मिलता है ना लोगों को बहुत सारा, मतलब उस मुहूर्त पे करते हैं तो आनंद मिलता है लोगों को, और अपने को भक्ति भी मिलती है सब।
कुछ दिक्कत नहीं आती है। हमारा ट्रस्ट जो है उनसे पहले बात कर लेता है और पूजा के लिए पहले परमिशन लेते हैं, फिर हो जाता है वो। वास्तु शांति, नामकरण, पिंडदान, नवग्रह शांति, ऐसी विधि किया। ये माई पर पूजा तो हो रही है, लोगों को इसका फायदा भी मिल रहा है, लेकिन अगर कोई किश्त नहीं चुका पाया तो क्या होगा? बैंकों की तरह उससे बकाए की वसूली की जाएगी या फिर उसकी पूजा खंडित हो जाएगी? ईएमआई अगर नहीं दे सकते हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है? जो कानूनी तरीके से हमने सब सोच समझ के उसकी घटना बनाई है, 13 प्रकार के वकील है, उन्होंने अपने अपनी राय दे के हमने पत्र बनाया है और उसके माध्यम से फिर कार्रवाई होगा। अगर उनका कुछ नुकसान होता है या वो एक्सपायर हो जाता है, कुछ दुर्घटना होता है, तो हम उनको ईएमआई पर पूजा की डिमांड होने पर संस्था के जरिए पूजा करवाते हैं। अभी तक तो हजारों के इसमें इंक्वायरी आया है, हजारों की संख्या में 122 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है और इसमें से अभी 30-40-50 लोगों ने तो उनका शुरुआत भी किया है पूजा। ईएमआई पर होने वाली इस पूजा विधि का एक और पहलू ये भी है कि इसमें हर प्रक्रिया का पालन किया जाता है। संस्था ने इसके लिए एक निजी बैंक से करार किया है। करार के मुताबिक ईएमआई की रकम उसी बैंक के खाते में आती है। हमारा संस्था का फॉर्म आपको भर के देना है, आपका पहचान पत्र देना है और कैंसल चेक देना है और जजमान ने तय करना है कि वो कितने महीनों में इसका वो रिटर्न हमको करेंगे, 10 महीना, 8 महीना, 6 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल। 1 साल तक हमने इसको मुदत दिया है। अब आपको ईएमआई पर पूजा का रेट कार्ड भी दिखा देते हैं। सत्यनारायण जी की पूजा 251 से 1110 रुपए, वास्तु शांति की पूजा 1000 से 25000 रुपए, नवचंडी की पूजा 15000 से 51000 रुपए, काल सर्प शांति 3000 से 11000 रुपए, नारायण नागबली 5000 से 21000 रुपए, लघु रुद्र अभिषेक पूजा 5000 से 15000 रुपए, नवग्रह शांति और जप 21000 से 51000 रुपए, महामृत्युंजय अनुष्ठान 25000 से 51000 रुपए, लग्न विधि 2500 से 25000 रुपए, पिंडदान 1500 से 5000 रुपए। महंगाई के इस दौर में हर चीज के साथ साथ अब पूजा कराना भी काफी महंगा हो गया है और इस योजना के आने से पहले अगर कोई शख्स पूजा कराता था तो उसे कैश में पंडित को दक्षिणा सहित तमाम खर्च देने होते थे और सरकार को भी कुछ नहीं मिलता था। और ऐसे में इस योजना के आने से एक तरफ पब्लिक को जहाँ सहूलियत हुई है, वही दूसरी तरफ सरकार को टैक्स भी मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है, संस्था की माने तो आने वाले वक्त में एक ऐप डेवलप किया जाएगा जिसके जरिए तमाम लोग इस योजना से जुड़ सकें। ईएमआई पर पूजा के शुरू होने से एक फायदा तो हुआ है, वो ये कि अब तक पूजा के समय कैश में पेमेंट होने से काला धन भी व्हाइट हो जाता था क्योंकि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। लेकिन ईएमआई पर पूजा शुरू होने से जहां लोगों की जेब पर बोझ कम होगा, वहीं हर चीज रिकॉर्ड पर रहेगी और सरकार को सर्विस टैक्स भी मिलता रहेगा।